हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मूव ट्रिक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर से रखना चाहिए और ज़रूर से यूज करना चाहिए, क्योंकि महंगा मोबाइल लेने से कुछ नहीं होता यार। जब तक अच्छे ऐप्स नहीं रहेंगे अंदर, तब तक आप अपने मोबाइल का बेस्ट यूज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना। और हमारा इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, तो देखते हैं 1000 लाइक हिट होता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल वाली बटन को भी दबा दो, ताकि जब मैं कभी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों पहली ऐप है वॉल बकेट। दोस्तों ये एप्लीकेशन एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है, और जैसा कि हमको मालूम है कि हमको अपने मोबाइल को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए एक अच्छे से वॉलपेपर की ज़रूरत तो होती ही है। तो इसमें आपको तरह तरह के अलग अलग वॉलपेपर ऐप मिल जाएंगे, सॉरी वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर सेट कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में है, तो आपको जो कैटेगरी पसंद है आप उस कैटेगरी का वॉलपेपर अपने मोबाइल पर यूज कर सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल की सुंदरता को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। तो सेकेंड ऐप है ग्रामरली। तो दोस्तों ये एक कीबोर्ड एप्लीकेशन है, और इस कीबोर्ड एप्लीकेशन की खास बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ टाइप करते रहते हैं तो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर कहीं ग्रामर मिस्टेक हो जाता है, तो ये कीबोर्ड हमको बता देता है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप उस गलती को देख के उस गलती को सुधार सकते हो। तो ये एक खास बात है इस कीबोर्ड ऐप की। अगर आपसे भी कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं तो आप इस ऐप का डेफिनेटली यूज करो, अच्छी ऐप है। दोस्तों तीसरी ऐप है ऑटो टाइल्स। ऑटो टाइल्स एक ऐसी ऐप है जिसकी मदद से हम अपने नोटिफिकेशन पैनल में अलग अलग टाइप के ट्रिगर्स लगा सकते हैं और बहुत सारे काम आसानी से शॉर्टकट रूप में कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑटो टाइल्स में देखिए, इधर आपको एक प्लस बटन का चिन्ह दिखाई दे रहा है जिस पर आपको क्लिक करना है। और हाँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे सेट करते हैं। तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से एक पेज दिखाई देगा, जहाँ से आपको एक आइकॉन चुनना है। तो आइकॉन जो भी आप जिस टाइप का ट्रिगर सेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आइकॉन चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद इधर से आपको आइकॉन चूज करने के बाद इधर भी आपको कुछ भी लिख देना है, ओके। उसके बाद फिर से आपको प्लस वाली बटन पर क्लिक करना है कि जब वो ट्रिगर पर क्लिक किया जाएगा तो क्या एक्शन होना चाहिए, तो वो एक्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आइकॉन है तो आइकॉन के हिसाब से ही मैं इधर एक्शन चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको इनएक्टिव वाले सेक्शन में जाना है और सेम काम आपको फिर से करना है, और फिर से प्लस वाले बटन पे जाके जब आपको फिर से जब उस पर क्लिक किया जाएगा, यानी जब उसको बंद किया जाएगा, इनएक्टिव होगा, तब क्या होना चाहिए। तो इधर से मैं जाके इसको होम पेज सो होम स्क्रीन इधर ऐसे चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये सेटिंग वाले बटन पे जाना है, इसको रीनेम कर देना है, कुछ भी नया नाम इसमें डाल देना है और बस इस पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन पैनल पे इधर एडिट वाले सेक्शन में एक नया ट्रिगर आ चुका है, जिसको आप इधर से जाके सेट कर दीजिए, बस आपका काम चालू। नेक्स्ट ऐप है एलडी। अब LD एक ऐसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप है जहां पर आप बहुत ही आसानी से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और अपने फ़ोटो को एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप ये सारे काम बहुत ही आसानी से और चुटकियों में कर पाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ फ़ोटो एडिटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसमें। तो सारा कुछ सेट किया कराया है, आपको केवल इसको केवल अप्लाई कर देना है अपने फ़ोटो पे, और बस आपकी फ़ोटो काफ़ी हद तक अच्छी दिखने लगेगी, जिसको आप शेयर कर सकते हैं अपनी फेवरेट जगह पे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई दूसरी जगह हो। दोस्तों अगली ऐप है पोला। अब पोला एक ऐसी ऐप है जिसकी मदद से आप क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमको ज़रूरत होती है एक ट्राइपॉड की। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप सेल्फी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल को किसी स्टेबल जगह पर रख दीजिए ताकि आपका मोबाइल जो है शेक ना हो, हिले नहीं। उसके बाद आपको तीन अलग अलग पिक्स क्लिक करनी है, तो अपने सब्जेक्ट को तीन अलग अलग जगह पे रखते हुए तीन अलग अलग पिक क्लिक कर लीजिए।
उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो पिक है, मेन जो फोटो है, वो तैयार हो चुका है क्लोन्स के साथ। तो बस इतना सा काम करना है, बहुत ही आसानी से आप क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा करो। तो दोस्तों हमारी लास्ट ऐप है फबी, और फबी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सेल्फी लवर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है। तो इस एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फी के बैकग्राउंड में कुछ अलग अलग टाइप के एनिमेशन से डाल सकते हैं और उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव लगेंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे, जिस फोटो को आप शेयर कर सकते हैं जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं वहां पे। तो बस दोस्तों ये थी हमारे टॉप 6 बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट ऐप कौन सा है, मतलब आप किस ऐप को ज़्यादा पसंद करेंगे, कौन सा ऐप आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ ही अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और आपको वो ऐप अच्छा लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उस ऐप के बारे में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर से इंक्लूड करूँगा और आपका नाम भी बताऊँगा। तो बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा 1000 लाइक का टारगेट मत भूलना, प्लीज़ 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 लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।